हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के क्रूज कंट्रोल के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा क्रूज कंट्रोल कैसे एक्टिवेट होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको कैसे स्टॉप किया जाता है, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से हम लोग क्रूज कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। और साथ के साथ ये भी बताऊँगा कि अगर आपको क्रूज कंट्रोल में स्पीड अगर आपको इंक्रीज भी करनी है या डिक्रीज भी करनी है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल के लिए सबसे मिनिमम थर्ड गियर पे आपके 40 प्लस की स्पीड होनी चाहिए, तभी आपका क्रूज कंट्रोल स्टार्ट होगा। आप यहाँ देखोगे तो स्टेयरिंग पे कुछ यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। ये चार बटन्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो ये बटन है ये क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करता है, और ये जो नीचे वाला है अगर आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल में है अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो इस बटन से आपका बंद होगा। जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो स्पीड बढ़ाने और घटाने का है। सो अगर इसको हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारी गाड़ी की स्पीड 40 प्लस होनी चाहिए। जैसे ही 40 प्लस होती है हमें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, इससे क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है और स्टार्ट करने के लिए हमें ये नीचे वाली बटन दबानी पड़ेगी। सो आप चेक करोगे कि आपके स्पीडोमीटर में आपको एक आइकन दिखाई देगा ग्रीन कलर का, वो इंडिकेट करता है कि कंट्रोल स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही आप देखेंगे कि क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो गया तो अभी मेरे को एक्सेलेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी रोशनी कम है इसलिए आपको दिखा नहीं पाऊंगा। सो ऐसे क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफ करना है तो आपको ये नीचे वाली बटन जैसे कि मैंने बताया वो आपको दबानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप दबाओगे आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन वाली जो आइकन था वो बंद हो चुका है, उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको दोबारा यही दबाना पड़ेगा। सो जैसे ही आपने दबाया ये क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही स्पीड 40 से नीचे चले जाएगी क्रूज कंट्रोल अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको सेम वही बटन दबाना है। ये जो प्लस वाला बटन है यहाँ पे आप देखोगे, इससे अगर आप प्लस करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक प्रेस पे एक स्पीड इंक्रीज होती है, तो इस तरीके से आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको स्पीड डिक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको ये माइनस वाला बटन दबाना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक माइनस का बटन है। जैसे ही आप माइनस का बटन दबाओगे वो स्पीड उसी हिसाब से धीरे होती रहेगी, प्लस वाले से इंक्रीज होती रहेगी। सो जैसे ही आप बटन दबाओगे ये एक से दो सेकंड उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेता है, एक सेकंड का टाइम लेता है। जैसे ही एक सेकंड होता है ये इसके बाद स्पीड आपको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है जो गाड़ी में होना ही चाहिए, और ये फीचर ज़्यादातर तभी काम आएगा जब आप हाईवेज पे जाते हैं और आपको कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलानी होती है। इस फीचर से आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, इसको चलाने की जो फील है ना वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कौन कौन से ऐसे एक्शंस है जिसके बेसिस पे ये क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाता है। सो उसके काफ़ी सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो आपके स्टेयरिंग पे है, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है इसीलिए मैंने क्रूज कंट्रोल ऑफ कर दिया है। तो जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा मैं आपको बताता हूँ कि किस ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। और अभी ट्रैफिक थोड़ा खुला है तो मैंने सोचा वीडियो में स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने के काफ़ी सारे स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताऊँगा वो आपके स्टेयरिंग पे ही है। सो जैसे कि मैंने वीडियो के एकदम बिगनिंग में भी आपको बताया कि जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे और आप अपने स्पीडोमीटर में देखोगे तो वो ग्रीन वाली जो आइकन था वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ लिखा आ जाएगा क्रूज कैंसिल, और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी धीरे होती जाएगी। सो मैं भी दोबारा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके आपको बाकी सारे स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ब्रेक दबाएंगे या फिर आप अपना क्लच दबाएंगे, इन दोनों ऑप्शन से आपके क्रूज कंट्रोल आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। और आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए फीचर की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, हम उस पर बिल्कुल वर्क करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।